¡Mosquete!

तो जब हम वायरस की बात करते हैं बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं सो द स्टडी ऑफ वायरस द स्टडी ऑफ वायरस दे आर कॉल्ड एज वायरोलॉजी और जो साइंटिस्ट इसके बारे में पढ़ते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड नाइनटीन की स्टडीज शुरू हुई है अभी तक खत्म तो हुई नहीं है बिकॉज कोविड नाइनटीन की न्यूज भले खत्म हो गई हो ठीक है बट यू नो दैट इट स्टिल एग्जिस्ट दैट इज वाई वी आर यूजिंग सैनिटाइजर दैट इज वी आर मास्क अभी पता नहीं न जाने कब खत्म होगा तो so, जो साइंटिस्ट कंटिन पर स्टडी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर दैट इज सेट टू बी वायरोलॉजिस्ट ठीक है अब है क्या ये वायरस वायरस दे आर सेट टू बी इंफेक्शियस एजेंट वाई दे आर सेट टू बी इन्फेक्शियस एजेंट क्योंकि बच्चों ये इंफेक्शन कॉज कर सकते हैं जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कोविड का ही देख लो इट इज कॉजिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन टू अस दैट इज वाई जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी रेस्पिरेटरन का जो इन्फेक्शन था क्योंकि वो म्यूटेशन की बात था दैट वॉज अ वेरी स्ट्रांग स्ट्रेन है ना और उसने तबाही मचाई थी डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी सो पीपल वर डाइंग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीजन दे वर नॉट गेटिंग द ऑक्सीजन अवेलेबल टी बहुत कम हो गई थी तो देवर इन्फेक्शियस बट इनके पास एक शर्त है बच्चों इन्फेक्शन तभी कॉज करते हैं जब ये होस्ट के अंदर जाए अगर ये टेबल पर है कुर्सी पर है चेयर है चेयर पर है तो क्या ये इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं नहीं तभी तो यार हमारे हाथों में भी हो सकता था कोविड नाइन्टीन है ना है तभी तो बोला जाता था बीस सेकेंड के लिए वॉश करो साबुन से है ना, है ना? हैंड वॉश क्योंकि फिर वो मर जाएगा क्योंकि अगर हम हम हैंड वॉश नहीं करेंगे और हैंड पे हमारे अगर वायरस है और अगर हमने अपने फेस को टच किया तो फेस में कुछ ओपनिंग्स और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर गया ना, इसको मिल गया होस्ट. और जैसे ही क्यों? पैरासाइट को होस्ट चाहिए ना दैट मीन इन्फेक्शन तभी कॉज कर सकते हैं जब ये होस्ट के अंदर जाए और जैसे ही होस्ट के अंदर जाते हैं so, कुछ भी नहीं है दैट इज वाई इनको होस्ट ऑब्लिगेट कंडीशन स्ट्रिक्ट कंडीशन है इंफेक्शन कॉज करने के लिए दैट इज वाई इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट बोला जाता है वो भी कैसा इंट्रा सेलर पैरासाइट इंट्रा सेल्युलर क्यों क्योंकि सेल के अंदर जब जाएंगे होस्ट के अंदर जब जाएंगे तभी इंफेक्शियस नेचर शो करेंगे अदरवाइज नॉट ठीक है इनको मतलब इट इज ऑन दी बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इसको पूरी तरीके से लिविंग नहीं बोलते इसको पूरी तरीके से नॉन लिविंग नहीं बोलते ठीक है मतलब कहने का ये है बच्चों ये लिविंग नेचर भी शो करते हैं नॉन लिविंग नेचर भी शो करते हैं तो जैसे ही ये शो नॉन लिविंग नेचर करते हैं तो बच्चों हम किसी किंगडम में कैसे रखे इसको एंड दिस इज द रीजन बिटेकर भाई साहब ने इनको किसी किंगडम में नहीं रखा इनको अलग से ही पढ़ना पड़ता है क्यों क्योंकि दे आर डू नॉट हैव एनी सेल दे आर नॉन सेलुलर और हमने पढ़ा था ना कि जिनके पास सेल नहीं वो लिविंग कैसे कहलाएंगे जिनके पास सेल नहीं वो लिविंग कैसे कहलाएंगे ठीक है ठीक है ओके okay. तो सेल नहीं है नॉन सेलुलर लिख दिया यार हम तो बोलते आ रहे हैं ना बच्चों की सेल uh, नहीं है तो लिविंग नहीं कहा जाएगा है ना एनीथिंग विच इज लेस देन अ सेल यही तो पढ़ा है हमने सेल यूनिट ऑफ लाइफ में दैट नॉट श्योर इंडिपेंडेंट लिविंग अभी मैंने यही चीज आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी तो यार फिर ये क्यों लिविंग नेचर शो कर रहे हैं है ना सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग तो नहीं करना चाहिए बिकॉज इसीलिए इनको बोला जाता है दे आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी सेल होने मतलब सेल ना होते हुए भी इनके पास कुछ लिविंग प्रॉपर्टीज हैं ठीक है एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी दे आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी और ये बॉर्डर लाइन पर है या कह सकते हो लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग आओ चलो अब डिस्कस करते हैं बच्चों कि कौन कौन सा ये लिविंग प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं कौन कौन सा नॉन लिविंग इनके पास लिविंग प्रॉपर्टी क्या है they are composed of they are composed of macromolecules ya aap seedha seedha लिख do biomolecules kyunki inki jo body hoti hai outer covering that is made up of protein they possess genetic material इनके पास genetic material present है ये भी कैसा nature है बच्चों ये भी एक living nature है they can cause infection इन्फेक्शन तो कोई जिंदा ऑर्गेनिज्म ही कॉज करेगा ना बच्चों ठीक है दे शो म्यूटेशन दिस इज ऑल्सो लिविंग प्रॉपर्टी दे कैन अंडर गो रेप्लीकेशन दिस इज ऑल्सो अ लिविंग प्रॉपर्टी दे कैन अंडर गो रेप्लीकेशन ठीक है दे कैन रेप्लीकेशन या ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों दे कैन अंडर गो दे कैन रिप्रोड्यूस बैक्टीरिया बैक्टीरिया कैरी हो वायरस जब हमारे अंदर आता है होस्ट सेल के अंदर बच्चों तो वो अपना मल्टीप्लिकेशन ही तो कॉज करता है नंबर ही तो इंक्रीज करता है और नंबर इंक्रीज करना किसका फीचर है बच्चों ये तो हमने लिविंग वर्ल्ड में भी डिस्कस किया है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है तो ये फीचर क्या क्या दिखा रहा है उनका लिविंग नेचर दिखा रहा है और दे कैन बी किल्ड किल्ड बाय यूवी रेस प्लस ऑटोक्लेविंग तो ये तो मरे हुए इंसान को या ऑर्गेनिज्म को मारने की थोड़ी बात करोगे अगर हम बोल रहे हैं वायरस को मारा जा सकता है तो मारा जा सकता है तभी ना जब वो लिविंग होगा जैसे सैनिटाइजर्स बच्चों पहले भी थे ऐसा नहीं था सैनिटाइजर्स मार्केट में नहीं थे बट जब कोविड नाइनटीन की चर्चा होने लगी चाइना से में जब यह ब्रेक हुआ फिर ये डिफरेंट कंट्रीज में फैलने लगा तो नॉर्मल सैनिटाइजर्स वो नॉट एफिशिएंट टू किल दी कोविड नाइनटीन वायरस इसके लिए हमें अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि अल्कोहल सिबल फॉर कम्प्लीट स्टरलाइजेशन पूरी तरीके से तो वायरस को खत्म कर सकता है, है ना? तो करना, मारना, किसी के लिए बात ना कोई मरा हुआ है तो, उसको मारने बात नहीं। तो ये हमारा कैसा फीचर है ये हमारा एक लिविंग फीचर है और क्या हम बोल सकते हैं जैसे ही हमारे होस्ट के अंदर आते हैं ना बच्चों जैसे ही हमारे होस्ट के अंदर फॉर एग्जाम्पल कोविड नाइनटीन के होस्ट हम हैं ठीक है ठीके? हमारे वो मेहमान है ठीक है एक तो मेहमान नवाजी होती है मेहमान आए खा पी करके चले जाए बट वायरस ऐसे मेहमान होते हैं बच्चों जो घर में घुसते हैं और घर का पूरा कब्जा जमा लेते हैं और पूरी की बॉडी को अपने अकॉर्डिंग फंक्शन कराते हैं यह भी एक लिविंग नेचर है ठीक है तो इसका सिक्स पॉइंट लिखेंगे हम क्या लिखेंगे दे टेक ओवर दे टेक ओवर होस्ट मशीनरी और ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं बच्चों होस्ट स्पेसिफिक जैसे कोविड 19 प्लांट को थोड़ी खराब कर रहा है किसको खराब कर रहा है ह्यूमंस को तो ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं ये भी किस कैसा नेचर है लिविंग नेचर तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये समझ में आता है दैट वायरस इज लिविंग बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये दिखाती हैं कि वायरस नॉन लिविंग है जैसे दे हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी वॉट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी बच्चों शायद आप फिजिक्स वगैरह में पढ़ते होंगे ये एक तरीके का रिलेटिव डेंसिटी होता है किससे रिलेट करते हैं बच्चों पानी के डेंसिटी से ठीक है और दे हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली किसकी होती है नॉन लिविंग मटेरियल्स की ठीक है इस वजह से ये कैसा फीचर है वायरस का नॉन लिविंग फीचर है अगर वो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी रखता है दैट मीन्स इट इज दैट इज नॉन लिविंग दे लैक ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी का मतलब दे लैक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दे लैक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑटोनॉमी मीन इनडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों क्योंकि सेल नहीं है ना ठीक है सेल नहीं है तो वो बिना होश के कुछ नहीं कर सकते दैट इज वाई बी से दे लैक ऑटोनॉमी और क्या हो सकता है बच्चों इनके पास कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं है देर इज नो प्रोटोप्लास्ट देर इज नो प्रोटोप्लास्ट दे कैन बी क्रिस्टलाइज क्रिस्टलाइजेशन किसका करते हैं हम केमिकल्स का नॉन लिविंग चीज का सो इफ दे कैन बी क्रिस्टलाइज दैट मीन्स दे आर नॉन लिविंग तो आप देख सकते हो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रॉपर्टी है इसी वजह से इन दोनों चीज़ों को देखते हुए वायरस को किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिली थी इनका अपना कोई घर किंगडम नहीं है ठीक है इसके बाद और बात करते हैं बच्चों डिस्कवरीज ऑफ वायरोलॉजी ठीक है पहले ना एनसीआर टी में एक लाइन लिखी होती थी लेट मी टेल यू दैट लाइन कि टर्म वायरस अभी भी ये लाइन तो है कि टर्म वायरस का मतलब क्या होता है टर्म वायरस का मतलब होता है वेनम वेनम मीन्स जहर ठीक है और क्या बोल सकते हो पॉइजनस तो वायरस इज पॉइजनस वाई बिकॉज इट कॉज इज इंफेक्शन आपको पता ही है ठीक है और वायरल डिजीजेस भी कॉज करता है इसलिए लिविंग नेचर है तो डिजीजेस कॉज कर रहा है तो तो दैट इज इज वी से इट पॉइजनस वायरस का मतलब ही होता है वेनम तो अगर आपके पास पुरानी एनसीआरटी होगी ना तीन चार साल पहले वाली तो उस उस वाली एनसीआर में लिखा हुआ है कि ये बताया था पास्चर ने पास्चर साइंटिस्ट का नाम है थोड़े टाइम दो साल पुरानी होगी या एक साल पुरानी रिवाइज एनसीआर टी होगी तो उसमें इवेनकी का नाम लिखा हुआ है ठीक है इन साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है इनका लेकिन अब मैंने एनसीआर के पी देखी थी उसमें किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा हुआ है सिर्फ ये लिखा हुआ है कि टर्म वायरस का मतलब होता है वेनम और पॉइजन क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है गूगल करोगे तो कुछ लोग बोलते हैं इन्होंने सबसे पहली बार वायरस का नाम लिया था कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने वायरोलॉजी के बारे में किया था वॉज दी फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी फाउंडर तो सही बात है कुछ लोग कहते हैं टर्म भी दिया था तो इसके पीछे ना कोई एग्जैक्ट सीन हमारी एनसीआरटी बता नहीं पा रही थी तो अब जो एनसीआरटी का पीडीएफ मैंने देखा है बच्चों उसमें सिर्फ वो लाइन लिखी हुई है कि टर्म वायरस मींस वेनम कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ एनसीआरटी का आप अपनी एनसीआर पर ही चेक कर लेना ठीक है ओके और इसके बारे में बात करते इवेन उसकी एटीन नाइनटी टू इन्होंने क्या किया था इन्होंने बताया था कि जो टोबैको डिजीज होती है टोबैको मोजैक डिजीज टोबैको मोजैक डिजीज इन टोबैको लीफ टोबैको लीफ इज कॉज बाय एजेंट इज कॉस्ड बाय एजेंट दैट कैन कॉज दैट कैन कॉज बैक्टीरियल फिल्टर और बैक्टीरियल फिल्टर को बच्चों दो ही ऑर्गेनिज्म क्रॉस कर सकते थे एक तो क्रॉस कर सकता था स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइको माइकोप्लाज्मा और क्रॉस कर सकता था जो सबसे छोटा होता है वायरस तो दो पे शक गया तो जो चीज पास हुई थी जो एजेंट पास हुआ था उस पर टेस्ट किए गए तो अगर उसके पास सेल है ठीक है अगर उसके पास सेल है तो जाहिर सी बात है वो माइको है है ना और माइको क्या होता है बैक्टीरिया होता है तो यहां से जब और स्टडी करोगे तो पता चल जाएगा कि वो माइको नहीं था वो एक्चुअली वायरस था जिसने बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस किया था क्योंकि वायरस इतना छोटा होता है कि बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस कर जाता है तो दैट मीन्स ये जो एजेंट है ये एजेंट है दैट इज नथिंग बट अ वायरस विच वायरस टी वायरस फुल फॉर्म क्या है टोबैको टोबैको मोजैक वायरस ठीक है तो ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला वायरस डिस्कवर किया था दैट वॉज टी ठीक है और किस में किया था टोबैको के प्लांट में किया था बिकॉज दैट प्लांट वॉज सफरिंग फ्रॉम वन वायरल डिजीज दैट इज टोबैको मोजाइक डिजीज यहां से आया ये चीज पिक्चर में बट ये ये नहीं बता पाए कि वायरस इन्फेक्शियस भी होता है इन्होंने बस वायरस डिस्कवर किया टीएमवी उसके बाद बैठ गए चुपचाप अब आपको पता यार घर में एक को वायरल फीवर हो जाए ना कैसे फैलता है दूर दूर ही रहना पड़ता है खासकर मम्मी से मम्मी मम्मी वैसे मम्मी का प्यार इतना ज्यादा होता है कि वो आएंगे आपके पास बट यू डोंट वांट कि आपकी वजह से मम्मी पापा किसी का भी जो ब, ब, पेरेंट्स उनकी तबीयत खराब हो है ना तो आप क्या चाहते हो दूर-दूर क्यों? बचना क्योंकि आपको पता है, बहुत है, बहुत अगर आप किसी के साथ सोए हो बैठ रहे हो खेल रहे हो ठीक है अगर आपका एक दूसरे में काफी कंटेक्ट है तो वो फैल जाएगा इट इज हाईली कंटेजियस तो आप एक हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकते हो सेम गोज विथ कोविड 19 बताने की भी जरूरत नहीं है कितना ज्यादा इन्फेक्शन था सब्जियां धोते रहते थे बाहर से जितनी बार जब पहला स्ट्रेन आया था याद करो जब पहली पहली बार लॉकडाउन लगा था क्या हाल था घर पूरा बंद करके रखते थे किसी को आने नहीं देते थे मेड भी बंद कर दी थी बिकॉज दैट इज अ वायरल फीवर दैट वॉज अ वायरल डिजीज है ना और ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होता है बट इसका इन्फेक्शियस नेशन किसने किसने इस्टेब्लिश किया था बिजरिंक ने ठीक है बिजरिंक ने तो बिजरिंक ने एक फ्रेज यूज किया था दैट इज कंटेजियम कंटेजियम वायवम फ्लूडम कंटेजियम वायवम फ्लूडम कंटेजियम का मतलब क्या होता है बच्चों इन्फेक्शियस क्या मतलब होता है इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस वाय मतलब लिविंग और फ्लूडम का मतलब फ्लूड मतलब तो इन्होंने बोला कि वायरस क्या है वायरस एक इंफेक्शियस लिविंग फ्लूड है लिविंग तभी होगा ओनली वेन प्रेजेंट ओनली वेन प्रेजेंट प्रेजेंट इनसाइड होस्ट जैसे ये जो टी एम बी वायरस है यह तभी इंफेक्शन कॉज कर सकता है जब प्लांट के अंदर हो क्योंकि उसको होस्ट मिल गया है तभी वो इंफेक्शियस है तभी वो कंटेजियस है इसीलिए इसको बोलते हैं इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड ये इनको कैसे पता चला इसने इस फंगस का एक्सट्रैक्ट निकाला ठीक है सो एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस फंगस एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस फंगस वेन केप्ट अलोंग विथ वेन केप्ट अलोंग विथ along with healthy plants, healthy plants, इस फंगस को ठीक है इसके एक्सट्रैक्ट को निकाल करके हेल्दी प्लांट्स के साथ मतलब जो वायरस से सफर नहीं कर रहे थे उनके साथ रख दिया तो दे आल्सो बिकम अनहेल्दी इनको भी बीमारी लग गई दैट मींस यहां का वायरस वो वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इन्फेक्शन टू दी हेल्दी प्लांट जैसे आप अपने घर में अनहेल्दी हो आपके साथ कोई आकर के बैठ जाएगा तो आप भी वायरस ट्रांसफर कर दोगे उसको भी अनहेल्दी बना दोगे तो यही इन्होंने किया जो हेल्दी प्लांट था उसको अनहेल्दी प्लांट के साथ रख दिया तो जो हेल्दी था वो भी बीमार पड़ गया और ये साबित करता है कि वायरस बहुत इन्फेक्शियस है तो ये दोनों एनसीआर में लिखा हुआ है इसके बाद एक और साइंटिस्ट का जिक्र है स्टेनले इन्होंने नाइनटीन में ये बताया था कि वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज और क्रिस्टलाइज करने के बाद बच्चों मिलते हैं क्रिस्टल्स अगर आपने क्रिस्टलाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया है अपने लैब्स में और इन्होंने बताया जो क्रिस्टल्स मिलते हैं बाद में क्रिस्टल्स आर लार्जली मेड अप ऑफ प्रोटीन क्योंकि वायरस की बाहर की जो कवरिंग होती है बच्चों वो कैप्सिड की होती है और कैप्सिड प्रोटीन कोट को कहते हैं इसलिए तुम्हें क्रिस्टल्स किसके बने हुए नजर आते हैं प्रोटीन के ठीक है बच्चों दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कवरीज, द हिस्ट्री रिलेटेड टू वायरोलॉजी जो तीन साइंटिस्ट हमारे एनसीआरटी में मैंशन है इसके बाद हम किसकी बात करेंगे स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ वायरसेस तो क्या क्या स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट है नंबर वन एनवेलप एनवेलप क्या है बच्चों एनवेलप एक आउटर कवरिंग है दिस इज आउटर कवरिंग विच इज देयर और ये आउटर कवरिंग किसकी बनी होती है ये बनी होती है प्रोटीन की ठीक है ये प्रोटीन वायरस का ही है इसके बाद ये जब होस्ट के अंदर जाते हैं तो ये और क्या ले लेते हैं उसका लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तो ये दो चीजें कहां से ले रहे हैं होस्ट से ले रहे हैं और एनवेलप सबके पास हो ये जरूरी नहीं है ठीक है ये कुछ वायरसेस में ही होता है फॉर एग्जाम्पल एच आई वी वायरसेस एच आई वी वही है बच्चों जो एड्स कॉज करता है ठीक है दैट इज ऑल्सो हाईली इंफेक्शस डिजीज बिकॉज दैट इज अ वायरल डिजीज और अगर आपको कोरोना का बहुत शुरू शुरू में भर भर के टीवी न्यूज वाले कोरोना ही दिखाते थे कोरोना का स्ट्रक्चर और रिसेंट जो जो प्रीवियस या प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर के बीसी का क्वेश्चन था उसमें एक क्वेश्चन भी था कि कोरोना का नाम कोरोना क्यों पड़ा बिकॉज अगर आपने इसका स्ट्रक्चर न्यूज़ में देखा है तो दे हैव अ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर ठीक है क्राउन लाइक स्ट्रक्चर था दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी कोरोना और उस स्ट्रक्चर में आप अगर आपने देखा होगा नहीं तो आप गूगल कर लेना बच्चों आपको बाहर में एनवेलप दिखाई देता है तो एनवेलप सारे वायरस के पास हो तो जरूरी नहीं है देयर आर सर्टेन वायरस फॉर एग्जांपल एचआईवी फॉर एग्जांपल कोरोना दे हैव द प्रेजेंस ऑफ एनिवेल्प पर्टिकुलरली जो एनिमल वायरसेस होते हैं ना एनिमल वायरस मतलब वो वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वी आर ऑल्सो सोशल एनिमल उनके पास आपको एनवेलप दिखता है जैसे ये देखो ये एच है एच वायरस और आप बाहर देख सकते हो आपको ये एनवेलप दिखाई दे रही है ठीक है वायरल एनवेलप लिखा हुआ है ये इसमें है बहुत सारे वायरस में नहीं होता है तो जब वायरस के पास एनवेलप हो दैट इज कॉल्ड एज एनवेलप्ड वायरस ठीक है इसके अलावा बच्चों इनके पास जो और आउटर कवरिंग होती है दैट इज इज कैप्सिड क्या होता है बच्चों दैट इज कैप्सिड अब कैप्सिड भी आउटर मोस्ट कवरिंग है कैप्सिड भी क्या है बच्चों एक आउटर मोस्ट कवरिंग है आउटर मोस्ट कवरिंग है और ये किसकी बनी हुई होती है प्रोटीन कोट कैप्सिड क्या है इट इज प्रोटीन कोट एंड इट इज मेड अप ऑफ मेड अप डिफरेंट सब यूनिट सेवरल सब यूनिट्स उसको क्या बोला जाता है बच्चों कैप्सोमियर क्या बोलते हैं कैप्सोमियर अब कैप्सोमियर के ना क्या क्या काम है देखो कैप्सोमियर जो होता है बच्चों पहली बात कैप्सोमियर प्रोटीन कोट है प्रोटीन कोट को बना रहा है कैप्सिड को बना रहा है कोट का काम क्या होता है प्रोटेक्ट करना ठीक है किसको प्रोटेक्ट करेगा इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड बिकॉज दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड चाहे डीएनए हो चाहे आर एन ए दे डू हैव तो उसकी प्रोटेक्शन कौन करता है कैप्सोमियर ठीक है अब इसके ना कुछ अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं किस किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं ये हेलिकल अरेंजमेंट भी शो कर सकते हैं बच्चों दे कैन इवन शो बाइनियल अरेंजमेंट हेलिकल कौन करता है टीएमवी पॉलीहेड्रल पोलियो वायरस दो बुन जिंदगी के याद होगा बचपन में सबने लिए हैं है ना और बाइनियल किसका होता है बच्चों बैक्टीरियो का कब हम बोलते हैं बाइनियल बाइनियल तब बोला जाता है जब किसी वायरस में दोनों तरीके की सेमेट्री मिले हेलिकल प्लस पॉलीहेड्रल तब उसको क्या कहते हैं बच्चों बाइनियल सेमेट्री ये एनसीआरटी में लिखा हुआ है तो कैप्सोमियर तीन तरीके से अपने आपको अरेंज कर सकते हैं कैप्सोमियर है क्या प्रोटीन की कोट है आप डायग्राम देख सकते हो आपको और क्लियर हो जाएगा ये देखो ये बाहर की जो आपको कवरिंग दिखाई दे रही है बच्चों ये टीएमवी वायरस अभी बताऊंगी ये बाहर की जो आपको कवरिंग दिखाई दे रही है ना ओवरऑल इसको बोलते हैं कैप्सिड इस कैप्सिड में देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस पीछे भी हमें दिखाई नहीं दे रहे ये सारे क्या है उसके सब यूनिट इसको क्या बोलते हैं हम कैप्सोमियर क्या बोलते हैं कैप्सोमियर तो यू कैन सी दिस इज अरेज हेलिकली ठीक है तो इसमें हेलिकल अरेजमेंट पॉसिबल है और एक और चीज बच्चों आपने याद रखनी है कि जो कैप्सोम होता है ना दट इज अ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ वायरस वोट यू मीन बाय डायग्नोस्टिक फीचर डायग्नोस्टिक फीचर का मतलब है नंबर ऑफ कैप्सोमियर ऐसे लिख लो नंबर ऑफ कैप्सोमियर इज डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ वायरस डायग्नोसिस का मतलब पहचानना अगर आपको कोई डिजीज है तो उसके लिए भी डायग्नोसिस करी जाती है टेस्ट करते हैं टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि ओके यू हैव बिन डायग्नोज विथ टाइफॉयड यू हैव बीन डायग्नोज विथ टीबी ठीक है तो डायग्नोसिस मतलब पहचानना तो कैप्सोमियर का नंबर देख करके वायरस को पहचाना जा सकता है जैसे आप स्टडी कर रहे हो एक वायरस पर उस वायरस में कैप्सोमियर का नंबर आया टू वन थ्री जीरो दैट इंडिकेट्स दैट दैट वायरस इज टी एम वी टोबैको मोज़ाइक वायरस बिकॉज टोबैको मोज़ाइक वायरस में जो कैप्सोम का नंबर होता है तो हमने दो चीज के बारे में बात की यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ वायरस दैट इज हमारा वन इज योर इनवेलप दन विच इज प्रेजेंट इन एनिमल वायरस एंड द वन इज कैप्स अब सोच रहे हो गो दोनों ही तो प्रोटीन है मैम ठीक है कोई बात नहीं दोनों ही आउटर कवरिंग है दोनों ही प्रोटीन है ये एनिमल वायरसेस में जनरली बात करते हैं ये प्लांट वायरसेस में जैसा अभी मैंने डायग्राम दिखाया था वो टोबैको प्लांट के अंदर जो वायरस मिलता है और टोबैको क्या क्या है 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 एक प्लांट है। इसके इसके अलावा अलावा इनके इनके पास क्या होता है इसके जो इनके पास होता बच्चों जो बात करने वाली चीज दैट इज जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड ही होगा तो एनसीआरटी पे बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों हम बोलते हैं या तो इनके पास डीएनए है या तो इनके पास क्या है आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल नेवर बोथ कभी क्वेश्चन में दिया रहे ना कि वायरस के पास जैसे ये लिखा हो वायरस एक स्टेटमेंट है बच्चों एक स्टेटमेंट है फॉर एग्जांपल दैट वायरस हैज बोथ डीएनए एंड आर एन ए तो क्या करोगे इसको इसको सरासर गलत कर देना एंड नहीं होता एंड मतलब दोनों रखता है एक एट अ टाइम नहीं और होना चाहिए या तो डीएनए या तो आर एन ए हम हमारे ना दिमाग में एक मिथ होता है कि वायरस के पास सिर्फ आर एन ए होता है नहीं बच्चों वायरस के पास डी एन ए भी हो सकता है डीएनए में इनके पास सिंगल स्टैंड वाला भी हो सकता है डबल स्टैंड वाला भी हो सकता है आरएनए में भी इनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है ठीक है ज्यादातर जो आपने टीवी में पढ़ा हुआ है जैसे आपने पढ़ा हुआ है एच के बारे में आपने पढ़ा हुआ है एच वन एन वन वॉट इज एच वन एन वन बच्चो स्वाइन फ्लू ठीक है आपने पढ़ा हुआ है सुना हुआ है एच फाइव एन वन दिस इज बर्ड फ्लू ठीक है आपने इंफ्लुएंजा के बारे में सुना होगा एच वन एन वन एक तरीके का इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ही टाइप होता है ठीक है और आपने सुना होगा इबोला, इबोला भी आया था डेडली है ये वायरस कोविड नाइनटीन इतना डेडली नहीं था बच्चों इंफेक्शन रेट ज्यादा था बट डेथ रेट इतना नहीं था अगर बाकी वायरस आ जाते जैसे इबोला वगैरह जैसे जीका 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 जितना छोटा नाम है ना इतना ही ब्रेन की साइज कर देता है मतलब उतना ही छोटा ब्रेन की साइज को कर देगा ब्रेन की साइज को रिड्यूस कर देता है ई हेमोरेजिक फीवर ब्रेन वाला फीवर कॉज कर देता है ठीक है और सार्स वॉट इज सार्स सार्स इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉज बाय कोज बाय कोरोना तो कोरोना यही तो कर रहा है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोरोना पहले भी आ चुका था ठीक है अब जो आया है बदलते हुए स्ट्रेन के साथ आया है जिस स्ट्रेन का नाम दिया है कोविड नाइन्टीन ठीक है तो ये सारे सिंगल स्टैंडर्ड है ज़्यादातर जो हमने सुने हैं ना न्यूज़ में जो डेडली वगैरह आए हुए हैं इधर उधर दे ऑल आर वॉट दे ऑल आर तुम्हारे सिंगल स्टैंडर्ड ओनली और जो हम एग्जाम्पल एन में पढ़ते हैं दैट इज़ टी ठीक है बट हो और भी सकता है डबल स्टैंडर्ड वाला भी पॉसिबल है याद रखने का नाम जरूरत नहीं है बिकॉज एनसीईआरटी में है नहीं कि उनके एग्जाम्पल्स इनके एग्जाम्पल्स और इनके एग्जाम्पल्स हो जाओ ये इसलिए बताएं क्योंकि तुम्हें पता है ये सारे न्यूज में तुमने सुने हुए हैं बच्चों ठीक है और नेक्स्ट पढ़ते हैं एनसीआर के एक और लाइन एनसीआरटी पढ़ोगे तो लिखा हुआ है बच्चों की प्लांट प्लांट वायरस मतलब वो वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसको बोलते हैं फाइटो या हम उसको बोलते हैं फाइटोफाज तो इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा इनका जेनेटिक मटेरियल जनरली क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड आर अगर हम जू फाज की बात करें जू फाज का मतलब वो वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं और एनिमल्स को हम बोलते हैं जू या जू फाज और ये कैसे होते हैं बच्चों सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आर बट देखो डीएनए में सिर्फ डबल स्टैंडर्ड लिखा हुआ है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एनसीईआरटी नहीं लिखती है तो याद मत करना ठीक है आर एन दोनों हो सकता है बट डीएनए एन ए होगा बैक्टीरियल वायरस एन ने लिखा हुआ है मोस्टली क्या होते हैं बच्चों डबल स्टैंडर्ड डीएनए बैक्टीरियल वायरस को हम क्या बोलते हैं बैक्टीरियो फाज वर्ड आ गया समझ जाना वो वायरस है और आगे अगर बैक्टीरिया लिखा हुआ है तो समझ जाना वो वायरस है जो इन्फेक्शन कॉज करता है बैक्टीरिया में ठीक है और मोस्टली क्या होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं इसके अलावा आपने और क्या पढ़ना है बच्चों इसके अलावा हम दो स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे किसकी वायरस की जो एन में दी हुई है ओके okay, आओ मैं आपको दोनों स्ट्रक्चर्स दिखा देती हूँ बच्चों वो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं एक तो टीएमवी का ये है टीएम वायरस एनसीआरटी फिगर और एक है बैक्टीरियोफाज एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा इन दोनों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो आपको पता होना चाहिए पहला एक प्लांट वायरस है दूसरा एक बैक्टीरियल वायरस है बिकॉज दे आर गोर इन्फेक्ट द बैक्टीरिया ठीक है अब आप इसका मैं आपको और डिटेल में स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये आपको जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये इसका न्यूक्लिक एसिड है और इसमें न्यूक्लिक एसिड क्या होता है बच्चों आर होता है ठीक है कैसा आर सिंगल स्टैंडर्ड आर और ये जो पूरी बाहर की कोटिंग है दैट इज कॉल्ड एस कैप्सिड और कैप्सिड बनता है बहुत सारे कैप्सो का अब इसका थोड़ा और डिटेल वर्जन दिखाती हूं ये देखो ठीक है ये जो होता है ना ये जैसा है कैसा दिखाई दे रहा है बच्चों आपको रॉड जैसा ये सारी बातें आप चाहो तो एनसीआरटी में ही लिख सकते हो डायग्राम के ऊपर स्ट्रक्चर ठीक है रॉड के जैसा है क्वेश्चन आता है बच्चों विच वायरस हैज रॉड लाइक स्ट्रक्चर दो ही पूछते दो ही एनसीआरटी में तो याद रखना टीएम तो आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों रॉड जैसा अब इसको थोड़ा जूम करोगे और ज्यादा जूम करोगे तो आपको यही स्ट्रक्चर इस तरीके से हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देगा तो यहाँ पर भी आप रॉड देख सकते हो और ये बाहर पूरा का पूरा क्या है इसकी कवरिंग को इसकी कवरिंग को हम कैप्सिड बोलते हैं जिसमें ये बना है बहुत सारे सब यूनिट से जिसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर अगर ये कैप्सोमियर टी का है तो इसका नंबर कितना होगा टू वन थ्री जीरो जो घूम रहा है that is nucleic acid, RNA, RNA, nucleotides हो. क्या होते हैं ना? होगी? होंगे, हो अपने बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा होगा बच्चों तो इसमें न्यूक्लियोटाइड का नंबर कितना होता है इसमें न्यूक्लियोटाइड का नंबर होता है सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियोटाइड इस तो का रेशियो बताओ तो ये कितना है 6400 ये है 2130 वन थ्री जीरो तो अप्रोक्सीमेटली थ्री बाई वन आएगा ठीक है देख लेना न्यूक्लियोटाइड टाइड बाई कैप्सोमियर थ्री टू वन आएगा उल्टा कर देंगे कैप्सोमियर ऊपर न्यूक्लियोटाइड नीचे तो देख लेना क्वेश्चन में पूछ क्या रहे तो, तो मैं रेशियो भी पलटनी पड़ेगी और ये नंबर फिक्सड है कैप्सोमियर का दैट इज वाई इट इज़ यूज एज डायग्नोस्टिक फीचर फॉर टी वायरस ठीक है और अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं कि ऊपर से कैसा दिखता है तो ये देखो ऊपर से ये ऐसा है बीच में क्या है पूरा का पूरा रॉड लाइक स्ट्रक्चर और ये क्या है अरेन्ज कैप्सोमिया देर हेलिकली अरेन्ज ठीक है सो ये है हमारा टीएमवी का स्ट्रक्चर बैक्टीरियो से क्या करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन कैसे देते हैं दे रिमूव द लेबलिंग सो दिस इज जो डायमंड शेप है दिस इज हेड इस हेड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है इस हेड के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों डबल स्टैंडेड डीएनए डीएस डीएनए ठीक है और ये क्या है इसकी कैप्सिड दैट इज प्रोटीन की कोट प्रोटीन कोट ये इसका कॉलर ये इसकी शीट और ये क्या है सारे के सारे इसके टेल फाइबर्स कितने टेल फाइबर्स हैं बच्चों दे हैव सिक्स टेल फाइबर्स और इन टेल फाइबर्स का कोई रोल नहीं होता मोटेलिटी में बिकॉज दे आर नॉन लिविंग चलेंगे नहीं ठीक तो है तो ये किस में हेल्प करते हैं दे हेल्प इन अटैचमेंट दे हेल्प इन अटैचमेंट सस्ता स्पाइडर जैसा लग रहा है ना सस्ता स्पाइडर मेरे बच्चों ने एक नाम दिया था सस्ता स्पाइडर जब उनको किसी और चैप्टर में पढ़ाया जा रहा था और ये जिस पर इनका ये निकल रहा है ना पैर जैसा स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं बेस प्लेट क्या बोलते हैं बच्चों बेस प्लेट ठीक है तो ये याद रखना है आपको लेबलिंग्स आ, इनके डाइमेंशंस भी होते हैं बच्चों डाइमेंशंस अगर वैसे मैं लिख देती हूँ आपने इतना ज़रूरत ज़रूरी करना नहीं है ठीक है तो अगर मैं इसके हेड का डाइमेंशंस की बात करूँ तो इसका ये वाला जो हिस्सा है ये साढ़े नौ सौ का होता है और जो ये वाला हिस्सा है दिस इज़ ऑल्सो ऑफ साढ़े नौ सौ इसका जो ये वाला हिस्सा है दिस इज़ ऑफ साढ़े छः सौ ठीक है अगर डायमेंशन सिर्फ बता रहे हैं आपके जनरल नॉलेज के लिए आप बस रफली देख सकते हो ठीक है और टी का भी बता दे दें बच्चों ये तीन हज़ार एंगस्ट्रॉम लॉन्ग होता है क्योंकि रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ना अभी आपने बनाया था ना ये देखो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ना ये देखो तो इसके अगर इस वाले विर्थ की बात करेंगे तो आप इतना लंबा है ना तो याद रखना तीन हजार लॉन्ग हो सकता है और इसकी जो मोटापा है ये सिर्फ 180 सौ मोटी होती है ठीक है सो दिस वॉज द टू वायरसेज विच इज देयर इन योर एन थोड़ा सा बात करेंगे बच्चों अबाउट सिम्टम्स वायरल सिम्टम्स ये हम बुखार वाले वायरल फीवर के सिम्टम्स की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों क्योंकि हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट में जब वायरस का अटैक होता है इन्फेक्शन होता है तब कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं आपको देखने को मिल सकता है क्लोरोसिस क्लोरोसिस ऑलरेडी हमने मिनरल की डिफिशेंसी भी पढ़ा हुआ है तो क्लोरोसिस मिनरल की डिफिशेंसी भी, भी से भी हो सकता है वायरस के अटैक से भी हो सकता है क्लोरोसिस इज येलोइंग ऑफ लीव्स यू पीपल ऑलरेडी नो इट वेरी वेल ठीक है दूसरा क्या होगा नेक्रोसिस नेक्रोसिस क्या होता है बच्चों एक टिश्यू का एक जगह से डेथ हो जाना मर जाना दैट इज नेक्रोसिस ठीक है उसके बाद मोजैक फॉर्मेशन पैचेस बन जाना लीफ वगैरह पर तो देट इज सेट टू बी मोजैक फॉर्मेशन रोलिंग एंड करलिंग ऑफ लीव्स रोलिंग एंड करलिंग ऑफ लीवस ये भी क्या डिनोट करता है बच्चों वायरस का इन्फेक्शन लीव्स नेक्स्ट स्टंटेड ग्रोथ ग्रोथ हो रही थी हो रही थी बट होते होते वायरस का अटैक हुआ प्लांट पर ग्रोथ ही रुक गई ऐसी ग्रोथ को स्टंटेड ग्रोथ बोलते हैं और एक होता है डॉर्फिज्मारफिज्म आपको पता होगा हाइट छोटी आप स्टंटेड ग्रोथ और डोरफिजम में फ़र्क क्या है डॉर्फिजम बाय डिफॉल्ट जेनेटिकली वैसा है दैट मीन्स जब वो प्लांट बन रहा था अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में था उसी टाइम पर जीन में खराबी हो गया बिकॉज ऑफ वायरस तो शुरू से ही डॉर्फ रहेगा कभी मतलब वो पैदाइशी जेनेटिकली वो डोरफिज्म वाला है स्टंटेड ग्रोथ एक नॉर्मल हाइट को अचीव कर सकता था बट बीच में ही उसके साथ हादसा हो गया वायरस का इन्फेक्शन हो गया और उसकी हाइट वहीं पर रुक गई तो ये डिफरेंस होता है स्टंटेड ग्रोथ और डॉर्फिज्म में तो ये सारे वायरल सिम्टम्स हैं जो एक प्लांट में देखने को मिलते हैं जब प्लांट वायरस से सफ़र करने लगता है वायरल डिजीजे से अटैक हो जाता है इसके अलावा बच्चों हम कुछ बात करेंगे सब वायरल एजेंट्स की अच्छा इनको सब वायरल एजेंट्स क्यों बोलते हैं इनके पीछे भी कुछ वजह है तीन सब वायरल एजेंट्स पढ़ेंगे हम बच्चों एक वायरोइड्स एक वायरोसोइड्स और एक ठीक है सब वायरल एजेंट्स सबसे पहला जो आपको नाम दिख रहा है बच्चों दैट इज वायरोइड्स वायरोइड्स जब ये डिस्कवर नहीं हुए थे ना तो ऐसा लगता था वायरस ही सबसे छोटे बट वायरस से भी छोटा अगर कोई है दैट इज वायरोइड्स वायरस भी सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है ठीक है और ये मतलब अंदर जाकर के होस्ट के ठीक है सो द सेल्फ टिंग पार्टिकल्स डिस्कवर्ड बाय कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था पूरा अगर लिखो तो टी ओ डाइनर 1971 इनके पास जो आर एन ए पार्टिकल है वो कैसा है इनफेक्शियस मैंने आर एन ए पार्टिकल को स्पेशली क्यों लिखा हुआ है क्योंकि इनके पास बच्चों प्रोटीन कोट नहीं होता कैप्सिड नहीं होता है कैप्सिड इज एप्सेंट तो देखो इनको वायरस से अलग क्यों बोल रहे हैं पर्टिकुलरली इनको वायरस नहीं बोला गया क्योंकि अगर वायरस बोला जाता तो इनको अलग से पढ़ना ही नहीं पड़ता इनको सब वायरल एजेंट्स बोला गया दर्जा वायरल का नाम जरूर जुड़ गया है बट बिल्कुल वायरस वायरस जैसे नहीं है है क्योंकि के पास कैप्सिड होता है, इनके पास प्रोटीन कोट नहीं है ठीक है और सिर्फ आर एन ए है और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है ऑब्वियसली जैसे वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है ये भी ऑब्लिगेट पैरासाइट है इन्फेक्शन तभी कॉज कर सकते हैं जब होस्ट बॉडी के अंदर हो एज अ पैरासाइट इनका मॉलिकुलर वेट वायरॉइड से भी लो है क्योंकि उससे भी छोटे हैं ठीक है ठीके? और ये दे आर नोन टू कॉज डिजीज ऑब्वियसली अगर इन्फेक्शियस है दैट मीन्स ये पैथोजेनिक होंगे और पैथोजेनिक होंगे तो डिजीज़ कॉज करेंगे बट इनकी डिजीज प्लांट्स तक ही सीमित है प्लांट्स में ही जनरली दिखाई देती हैं तो आप देखो क्या क्या लिखा हुआ है पोटैटो में डिजीज कॉज कर सकते हैं उसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ डिजीज डिटेल में नहीं करने बस देख लो क्रिजांथमम स्टंट एंड सिट्रस एक्जोकॉटिस सिट्रस क्या होता है बच्चों सिट्रस वो वाइटामिन सी वाले जो पेड़ होते हैं ना जिस जो ऑरेंज हो गया आंवला हो गया उनको हम सिट्रस प्लांट बोलते हैं उनमें जो वायरस का इन्फेक्शन हो जाए और वो सारे वायरल सिम्टम्स देखने को मिल जाए उनको बोला जाता है एक्जोकॉटिस क्रिजांथम में भी एक प्लांट स्पीशीज है वायरस का अटैक होता है उसकी हाइट छोटी हो जाती है उसको बोलते हैं क्रिजांथमम स्टंट

नहीं हुआ है एंड द लास्ट वन इज ये हमारी एनसीआर में दिस इज नॉट देयर इन द सी ठीक है इस पर क्वेश्चन भी तुम्हें रेयरली मिलते हैं बट ये yes, है, मतलब क्या होता है बच्चों को वर्कर और इनके पास आर नहीं होता देर इज नो न्यूक्लिक एसिड इनके पास सिर्फ प्रोटीन होता है और वही प्रोटीन क्या बन जाता है इनफेक्शियस दैट मीन्स प्रयस क्या होते हैं प्रयोन्स पैथोजेनिक होते हैं क्या होते हैं बच्चों पैथोजेनिक और है तो ये प्रोटीन ही तो एक स्टेटमेंट लिखे हुए एनसीईआरटी में दैट दे आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन जब प्रोटीन एबनॉर्मली फोल्ड होना शुरू हो जाए ठीक है होने लगता है देन दैट प्रोटीन बिकम्स इन्फेक्शियस एंड दैट इन्फेक्शियस प्रोटीन दे आर सिंपली सेट टू बी ट्रा ठीक है जैसे यार हमारे इंडिया में गाय हम तो गरीब देश है क्योंकि डेवलपिंग स्टेज में है ना इकोनमी इतनी स्ट्रांग नहीं है हमारी तो हमारे यहाँ की गाय वगैरह को कौन ही देखता है ठीक है या तो पालतू है तो घर में उनका देखभाल हो जाता है नहीं तो ऐसे तो सड़कों पे आपको जनरली बहुत सारी गाय दिखती हैं डेवलप्ड कंट्रीज में देखोगे ऐसा नहीं होता बहुत प्रॉपर मैनेजमेंट होती है उसकी यहाँ पे भी है बट उस स्केल पर नहीं है तो यहाँ की जो ये गाय हैं जो पालतू नहीं है ऐसी घूम रही हैं तो यहाँ पर इनको क्या खाने को मिलता है ठीक है इनको खाने को मिलेगा प्लास्टिक इनको खाने को मिलेगा कचरा बट बाहर के कंट्रीज में ना पर्टिकुलरली फर टॉक अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूरोप एंड समथिंग तो वहां पर इनके एनिमल फॉर्डर में इनका जो चारा होता है इनके एनिमल फॉर्डर में बच्चों मिक्स किया जाता है प्रोटीन ठीक है चाय गाय को खिलाने के लिए अब यही प्रोटीन जब एब फोल्ड हो जाए इन्फेक्शन हो जाए तो किसकी तरफ बिहेव करने लगेगा दे विल स्टार्ट बिहेविंग एज प्रेन्स तो फिर जब ये गाय खाती है तो गाय का जो ब्रेन है वो स्वेल कर जाता है ठीक है स्पॉन्जी फॉर्म का हो जाता है फूल जाता है तो गाओ स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम डिजीज स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम मैड काउ डिजीज़ क्योंकि जैसे इसने ये चारा खाया बच्चों उसका ब्रेन ही फूल गया और अगर ब्रेन ही फूल गया तो वो तो पागल ही होगी ना ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम हो कोई किसी को भी हो तो पागल ही हो जाएगा तो गाय पागल हो गई तो उसको बोलते हैं मैड डिजीज किसने कॉज किया एक प्रोटीन ने और इसका एक और नाम है बच्चों इसका एक और नाम है बी एस ई वॉट इज बी एस ई बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म क्योंकि फूल जाता है ना स्पॉन्जी फॉर्म इंसिफेलोपैथी इंसिफेलोपैथी किसके लिए यूज किया गया है इंसिफेलोपैथी वर्ड होता है बच्चों ब्रेन के लिए ठीक है इनसे तो मैंने ये एक ही डिजीज़ ली है टू एक्सप्लेन व्हाट प्रेन एक्चुअली इज इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट द इंफेक्शियस प्रोटीन दैट मींस यस दे आर पैथोजेनिक ठीक है तो एक एग्जांपल से आपको समझाया और भी होते हैं नॉट इन एनसीईआरटी सो यू नीड नॉट टू डू द एग्जांपल्स पार्ट द डिजीज पार्ट जस्ट रिमेंबर टू थ्री लाइंस ऑफ प्रेन्स सो दैट्स ऑल अबाउट द वायरस एंड दब वायरल एजेंट्स बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चंस कॉपी और पेन साथ में लेके रखो ठीक है मेरे साथ साथ करते रहना बच्चों सिम्टम्स नॉट सीन इन प्लांट्स ड्यू टू वायरस मोजैक फॉर्मेशन दिखता है लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग भी दिखती है रूट नॉट येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग यस वेन क्लियरिंग क्या होता है बच्चों जहां जहां से वेन है ठीक है वेन का जो कलर है वो निकलना शुरू हो जाता है और वो वाइट पूरा का पूरा हिस्सा दिखाई देने लगता है उसको बोलते हैं वेन क्लियरिंग तो मान लो ये वेन थी तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई क्लियर हो गई है वाइट हो गई इसको बोलते हैं वेन क्लियरिंग तो यस वेन क्लियरिंग इज ऑल्सो सिम्टम जो सिम्टम हमने नहीं पढ़ा दैट इज रूट नॉट वायरस पजेस ऑल फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट दे आर नॉन सेल्युलर ट्रू दे पजेज बोथ ये गलत हो गया ना और होना चाहिए था दिस इज रॉन्ग कैप्सिड प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड ट्रू हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड लिविंग सेल ये लाइन सही है क्यों इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव तो अगर होस्ट सेल के बाहर है तो रिएक्ट थोड़ी कर रहे हैं अगर यहाँ बोर्ड पर है ठीक है लैपटॉप पे है आपके टेबल पर है बिस्तर पर है तो ये कोई रिएक्शन थोड़ी कर रहा बिस्तर को थोड़ी बीमार कर रहा है टीवी को थोड़ी बीमार कर रहा है हो सकता है बट वहाँ पे बीमार नहीं कर रहा दैट मीन्स आर नॉन रिएक्टिव होस्ट सेल के बाहर हैं तो नॉन रिएक्टिव हैं होस्ट सेल के अंदर हैं तो रिएक्टिव होते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट यहाँ पर क्या है वायरोइड्स लैक प्रोटीन कोट सही है वायरसेस वायरसेस आर ऑब्लिकेट पैरासाइट सही है इन्फेक्टिव कॉन्स्टिटूंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोट प्रेन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स ये सही है ज़रूरी थोड़ी ये प्रोटीन कोट इन्फेक्शस होता है ये कहाँ पर कहा ये तो हम जब सब वायरल एजेंट्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमने प्रेन्स के केस में ऐसा कहा था वायरस के केस में नहीं तो दिस इज़ रॉन्ग नेक्स्ट बिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स दे आर आर एन एज ऑफ हाई मोलिकुलर वेट पहली बात तो इनका ये लो मॉलिकुलर वेट होता है और पहला ही स्टेटमेंट मुझे क्या मिल गया रॉन्ग दे लैक प्रोटीन क्रो ट्रू है दे हैव अ स्मॉलर साइज देन वायरसेस ठीक है दे कॉज इन्फेक्शन ठीक है पहला वाला ठीक नहीं था सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन